नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। आइए बात करते हैं आज मधुबनी जिले की। मधुबनी में होली के दिन जमीन विवादों को लेकर गोलीबारी, 6 की मौत। इसको लेकर परिजनों का आरोप है कि भाजपा के नेता इसमें शामिल है और भाजपा के नेता के साथ साथ उन्होंने कई और नाम भी लिए हैं। आपको हम सुनाते हैं परिजन क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। सरकारी तंत्र सिस्टम से न सजा होगी, कोई कार्रवाई होगा सिस्टम से होगा। हम लोग करते सरकार को इच्छा शक्ति जगाना होगा। सरकार के पास सारा तंत्र है, सारा सिस्टम के मालिक है सरकार। अभी बताइए जो भय मुक्त बिहार, एक जी अपने बिहार का श्रेय किसको जाता है? तीन दिन में आज बिहार भय मुक्त हो चुका है। और आपको पता है बिहार बिहार के क्रिमिनल्स भय मुक्त हो चुके हैं। तीन दिन में बिहार के अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं। जो भय मुक्त समाज और बात करते हैं ना, हकीकत यह है कि बिहार के अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ की सरकार। मैडम, सिस्टम में तब से जाइएगा। हमें उस बीता के पुराने जमाने की बीता के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ 2 किलोमीटर के थाना नहीं आया तो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? आते जो गाते गया मारते गया, आते गया मारते गया, कब तक मरते रहिएगा? कब तक मरते रहिएगा? सरकार के सुरेंद्र बाबू का सीधा आरोप है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। अगर कांग्रेस को नहीं मदद करते तो आज घटना इनके साथ नहीं घटती। थाना सुरक्षित है तो सरकारी संरक्षण नहीं है। अपराध 5 घंटा बाद यहाँ पुलिस पहुँचती है 2 किलोमीटर, उसके बाद भी किसी थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कम से कम इसको निलंबित करके दूसरा। प्रवीण जहाँ अपने आपको बजरंग दल का नेता कहता है, वो दिखाया जा रहा है कि बजरंग दल का नेता ऋतु जी कहने सुनो, 1990 में सुनिए देवनारायण जी, 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। हरलाखी में राम नरेश पांडे जी लड़े, वहाँ ब्लॉक घेराव हुआ, गोली चली, 4-5 आदमी मर गया। लालू जी तुरंत आए, मुख्यमंत्री थे, आए कि नहीं आए? और SP DM STO BDO दरोगा सबको बदली कर दिया, पूरे जिला का ऑपरेशन हो गया। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? एक स्वर से आप लोग सब आदमी मांग करते हैं इनके यहाँ मुख्यमंत्री। 5 लोगों की हत्या ने पकड़ा तूल। तेजस्वी और भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार को घेरा। बिहार के मधुबनी जिले में होली के दिन 5 लोगों की हत्या मामले में अब तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल समेत सत्ताधारी दल के मंत्रियों ने मामले में नीतीश सरकार को घेरते हुए प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। IU और BSF के ASI समेत 5 की हत्या मामले में जहां नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए, वहीं राजग की सहयोगी भाजपा कोटे के से मंत्री बने नीरज कुमार बबरू और बीजेपी के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ही सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में बिखौ अपराधियों ने होली पर एक ही परिवार के 6 लोगों का नरसंहार किया। प्रदेश में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजद नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर यथासंभव मदद का भरोसा दिया है। इसी तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहे लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।